रुको जरा, सबर करो। सो हे गाइस, स्वागत है आपका एक और सोलो कॉन्करर की जानदार शानदार रैंक पुशिंग गेम प्ले वीडियो में। एंड मेरे भाई, इस वाले वीडियो में भी दो गेम प्ले रहने वाले हैं, दो चौड लेवल गेम प्ले। एंड भाई, दोनों गेम में तुमको काफी ज्यादा मजा आएगा। और भाई, फर्स्ट वाले गेम में तो दो दो यूट्यूबर भी आए हुए होते हैं। फिलहाल तो यार, यहाँ पर मैं उतरा था इवेंट पे, और उतरते के साथ ही मेरे को एक किल तो मिल जाता है। अब यार, यहाँ पर दो यूट्यूबर जो आए हुए होते हैं, उनमें से एक तो होता है शेडी वाइटी और भाई एक होता है जीतू टू ओपी, जिसमें कि भाई तुम्हारा भाई किसी एक यूट्यूबर को किल करेगा। अब तुम लोग गैस करके मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि मैं किसको किल करने वाला हूं। और भाई, जो बंदा गैस करके मेरे को सही सही बताएगा वो मेरे को रॉयल पास दे देना, क्योंकि भाई मेरे पास में रॉयल पास है नहीं। फिलहाल तो भाई, यहाँ पर मैं उतरा था इवेंट पे एंड एक किल अपना हो चुका था, और एक बंदे के मेरे को बाहर साइड से फुट स्टेप आ रहे थे, तो यहाँ पर मैं एक नेड करता हूं एंड उसके बाद इस बंदे पे रस भी कर दूंगा। अब यार, यहाँ पर इस बंदे को भाई तुम लोग नाम याद रखना, 20 FPS मेंटल। तो भाई, ये बंदा भाई लास्ट में काफी सारे बंदों को किल करता है, और हो सकता है कि ये बंदा भाई कोई हैकर भी हो। वैसे मेरे को लगता नहीं है, लेकिन तुम लोग देख कर बताना कि ये हैकर था या नहीं। फिलहाल मेरे को एक बॉट का किल भी मिल जाता है। अभी के लिए अपने 3 किल हो चुके थे। अब यार, यहाँ पर मेरे को एक और बंदे के फुट स्टेप आते हैं, तो मैं जाता हूँ इस बंदे पे रस करने के लिए। भाई लिटरली यहाँ पर मैं इस बंदे को किल कर सकता था, लेकिन यार यहाँ पर अपनी जॉयस्टिक अटक जाती है और ये बंदा मेरे को किल कर देता है। लेकिन कोई ना, उसके बाद तो भाई यहाँ पर मैं आ जाता हूँ एक ड्रॉप को लूटने के लिए। एंड जैसे यहाँ पर मैं आता हूँ, तभी एक बंदा मेरे पे फायर लेता है। अब यार, यहाँ पर जैसे मैं ड्रॉप लूटने के लिए आता हूँ, मेरे पे एक बंदा तो भाई पहाड़ी से फायर लेता है, और एक बंदा इस घर से मैं था जो कि भाई सामने की तरफ है। अब ये बंदा नहीं होता है, एक्चुअली में ये बॉट होता है, बट भाई मेरे को तो ऐसे ही लग रहा था कि ये कोई बंदा ही होगा। फुट स्टेप इसके ऐसे ही आ रहे थे, लेकिन भाई ये एक बॉट होता है, इसको मैं किल करूंगा, देख रहा तुम लोग। अब यार, यहाँ पर मेरे को लगा था कि ये कोई बंदा होगा, बट भाई यहाँ पर तो ये एक बॉट होता है, इसको तो यहाँ पर मैं किल कर देता हूँ एंड उसके बाद मैं उधर से निकल लेता हूँ। अब आ जाता हूँ मैं इस वाले स्क्वाड हाउस पे, मेरे को लगा था कि ये खाली होगा, बट इधर एक बंदा होता है। अब यार, यहाँ पर इस बंदे से मेरी थोड़ी लंबी फाइट चलती है, बट फाइनली इस बंदे को यहाँ पर मैं किल कर देता हूँ। एंड उसके बाद तो नेक्स्ट सर्कल जो था वो इधर से शिफ्ट हो चुका था, एंड अभी के लिए मेरे को सर्कल में जाना था। तो भाई, मैं आ जाता हूँ इस वाले छोटे से घर पे जो कि भाई सर्कल में होता है। अब यहाँ पर मैं होल्ड कर ही रहा होता हूँ, तभी मेरे को सामने साइड में एक बंदा स्पॉट होता है जो कि भाई बिल्कुल ही छोटा सा दिख रहा था मेरे को। अब यार, यहाँ पर ये बंदा जो होता है, ये भाई बिल्कुल मेरे को ना के बराबर ही दिख रहा था भाई, ये समझो दिख ही नहीं रहा था। मेरे को नहीं पता तुम लोगों को दिखा या नहीं दिखा, लेकिन भाई ये बंदे को मैंने क्या ही किल करा है। इस वाले किल के लिए तो मेक श्योर यार तुम लोग लाइक जरूर कर देना। फिलहाल तो भाई, यहाँ पर मेरे को ये वाला कंपाउंड उतना सेफ लग नहीं रहा था, तो भाई वहां से बग्गी लेकर मैं आ जाता हूँ उसके लेफ्ट वाले कंपाउंड पे, क्योंकि भाई ये भी सर्कल में था। अब जैसे यहाँ पर मैं होल्ड कर रहा होता हूँ, तभी मेरे को इधर एक सस्ती वाली BRDM का साउंड आता है। तो देखो इस बंदे को मैं कैसे किल करूंगा। अब यार, यहाँ पर मेरे को नहीं पता, शायद से इस वाली BRDM का किल थोड़ी लेट मिलता हो, बट भाई यहाँ पर अपने को किल तो मिल जाता है। अभी के लिए अपने 7 किल हो चुके थे। एंड जैसे यहाँ पर मैं होल्ड कर रहा होता हूँ, तभी इधर एक और बग्गी की रोटेशन आती है।
अब यार यहाँ पर इस बग्गी वाले बंदे को ऑलमोस्ट मैंने फिनिश कर ही दिया था, लेकिन भाई यहाँ पर ये बंदा भाई बग्गी से कूद कर ही फिनिश हो जाता है। अभी के लिए तो भाई नेक्स्ट सर्कल भी इधर से शिफ्ट हो चुका था एंड मेरे को सर्कल में जाना था, तो भाई यहाँ पर मैं आ जाता हूँ इस वाले वॉच टावर पे। अब जैसे यहाँ पर मैं होल्ड कर रहा होता हूँ तभी मेरे को दो दो बंदे स्पॉट होते हैं। एंड यार यहाँ पर फाइनली एक बंदे को तो मैं किल कर देता हूँ, और भाई यहाँ पर नेक्स्ट सर्कल भी मेरे से शिफ्ट हो चुका था, तो भाई अभी के लिए मेरे को सर्कल में जाना था, तो अपनी बग्गी उठाकर मैं आ जाता हूँ सर्कल में। एंड यार यहाँ पर सर्कल में आने के बाद भाई मेरे को ये वाली रिज अच्छी लगती है, तो यहाँ पर आकर मैं अपनी बग्गी रोक लेता हूँ एंड इधर होल्ड करने लग जाता हूँ। फिलहाल यार यहाँ पर मैंने वीडियो के शुरू में बोला था कि एक बंदे का नाम तुमको जरूर याद रखना है, 40 FPS मेंटल। अब इस बंदे ने भाई बहुत ही सारे किल करे थे, अगर तुम लोग किल फीड पे नोटिस कर रहे होगे तो भाई ये बंदा शायद से हैकर ही था, मेरे को तो ऐसे ही लग रहा था। एंड भाई सामने साइड में एक स्ट्रीमर होता है, अब या तो ये सैडी वाइटिया या फिर जीतू टूओपिया, तो तुम लोग गैस करो, और जिसने सही गैस करा वो मेरे को रॉयल पास दे देना। अब यार यहाँ पर 40 FPS मेंटल नाम का ये जो बंदा था भाई, ये शायद से हैकर ही था, इतना खतरनाक स्प्रे कौन देता है, मतलब भाई डायरेक्ट M4 से मार रहा है, वो भी भाई सैक पर। खैर यार यहाँ पर तुम लोग उसका POV भी देख लेना, लेकिन उससे पहले तुम लोगों का कमेंट आएगा कि भाई सैडी भाई दिखाएं, तो भाई उसने एक ही किल करा था और उसके बाद वो इस वाले मैच में मर चुका था। एंड भाई जो उसने एक किल करा था उसको मैं इस वाले गेम में ऐड करना भूल जाता हूँ, तो खैर यार उसको तो छोड़ो। अब यहाँ पर सामने साइड में जीतू था, तो उससे मेरी फाइट होने वाली है, वो मेरे पे स्प्रे लेगा एंड मैं उस पर। अब यार जिस भी बंदे ने भाई सही गैस कराया ना, चुपचाप मेरे को रॉयल पास दे दो, मेरे को रॉयल पास की बहुत ज़रूरत है। खैर यार मजाक सपाट, अभी के लिए मेरे को सर्कल में जाना था एंड उस बंदे को भी। अब मेरे को पता नहीं था कि ये पहले हैकर है, लेकिन जैसे स्प्रे लेता है। अब यार यहाँ पर इस बंदे ने भाई इतने सारे किल करे थे, तो भाई मेरे को शक तो पहले से ही था कि ये बंदा हैकर हो सकता है, लेकिन मैं कंफर्म नहीं था। अब जिस तरीके से इसने स्प्रे दिया ना भाई, यहाँ पर मैं कंफर्म भी हो जाता हूँ। अभी के लिए तो बढ़ते अपने सेकंड वाले गेम की तरफ। अब यार इस वाले गेम में तुम्हारे भाई दो स्प्रे देगा, एक को देखकर तुम लोग बोलोगे ससुर, एंड यार यहाँ पर दूसरे को देखने के बाद बोलोगे नाइस। अब यार उन दोनों स्प्रे को देखने से पहले यहाँ पर एक बंदा आ जाता है मेरे पे रश करने के लिए, तो सबसे पहले तो तुम लोग इस बंदे से मेरी फाइट देखो। अब यार यहाँ पर ये बंदा आया था मेरे पे रश करने के लिए एंड इस वाले भाई को मैं किल कर देता हूँ। अब इस वाले गेम में भाई इवेंट पर तो मेरा एक भी किल होता नहीं है, मेरे को दो बॉट मिल जाते हैं एंड इस तीसरे बंदे को हम फिनिश कर देते हैं। फिलहाल के लिए यहाँ पर अपने 3 किल हो चुके थे एंड भाई यहाँ पर अब तुम लोग ये वाला स्प्रे देखो। भाई लिटरली इतना गंदा स्प्रे, वो तो भाई ये बंदा बिल्कुल 1 HP होकर आया था, इसको मेरी एक ही गोली लगती है एंड यहाँ पर मेरे को एक फ्री का सा किल मिल जाता है, मतलब इस बंदे को भाई मेरी बुलेट कनेक्ट ही नहीं हो रही थी। खैर यार यहाँ पर मैं होल्ड कर ही रहा था, अब तुम लोग ये वाला स्प्रे देखो। हाँ तो भाई कैसा लगा ये वाला स्प्रे मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और भाई अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर देना। फिलहाल तो भाई सामने वाले वॉच टावर में एक बंदा था, तो यार यहाँ पर मेरे को अब उस बंदे पे डायरेक्ट रश करना था, लेकिन भाई यहाँ पर मैं सीधा सीधा जाऊंगा तो वो बंदा मेरे को बग्गी से उतार देगा, तो भाई यहाँ पर मैं सीधा सीधा तो जाता नहीं हूँ, थोड़ी सी रोटेशन लेता हूँ और उस बंदे पे मैं डायरेक्ट रश कर दूंगा एंड भाई इस बंदे से तुम लोग मेरी फाइट देखना बस।
अब यार यहाँ पर इस बंदे ने भाई मेरे को ऑलमोस्ट फिनिश कर ही दिया था। वो तो भाई मेरा लक्ष्य ही था कि मेरी यहाँ पर 5 या 10 HP बचती है एंड तुम्हारा भाई यहाँ पर ड्रॉप शॉट देखकर इस बंदे को फिनिश कर देता है। अभी के लिए तो मेरे को सर्कल में जाना था, फिलहाल मैं निकल लेता हूँ सर्कल की तरफ। अब यार यहाँ पर सर्कल में आने के बाद मेरे को भाई बैक टू बैक 2 किल मिल जाते हैं। अभी के लिए अपने 8 किल हो चुके थे, फिलहाल मेरे को सर्कल में जाना था तो भाई मैं निकल लेता हूँ सर्कल की तरफ। जैसे भाई यहाँ पर मैं सर्कल में आता हूँ मेरे को ओपन में एक बंदा स्पॉट होता है। मैं सोचता हूँ कि इस बंदे पे नेड फेंकूं, तभी कोई भाई तीसरा ही बंदा यहाँ पर अपने पे थर्ड पार्टी कर देता है एंड इस वाले गेम में भी मैं किल हो जाता हूँ। फिलहाल इस वाले गेम से भी मेरे को काफी अच्छा प्लस मिल चुका था। फिलहाल तो गाइस यही था आज वाली वीडियो में, फिर मिलेंगे को नई वीडियो के साथ, तब तक लिए बाय बाय।